दोस्तों, आज हम ये जो हैंगिंग पॉट हैं इनको हम मिट्टी और किस तरह से तैयार करते हैं ये बताएंगे। तो ये हैंगिंग पॉट इस तरह का है। ये देखिए, इसमें एक होल मैंने कर दिया है यहाँ पर जो आया था। इसमें हम क्या करेंगे, ज़्यादा इनका वेट ना हो इसके लिए इसमें जो सूखी पत्तियाँ हैं नीचे, सूखी पत्तियाँ जो बिल्कुल डिकम्पोज जैसी हो गई हैं बिल्कुल, उनको डालेंगे पहले हम। और इसमें मैंने कोई पत्थर वगैरह भी नहीं डाला है क्योंकि जिससे आराम से पानी वगैरह अगर इसमें जमा हो तो निकल जाए। और इसमें ये जो कोकोपीट है इसमें थोड़ा मात्रा सही डालेंगे उसकी, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, और मिट्टी बहुत कम डाली है मैंने इसके अंदर। तो इसमें ज़्यादा तो सबसे पहले तो हम वो बिछा देंगे सूखी पत्तियाँ वगैरह, उसके बाद ये कोकोपीट, मिट्टी और बर्मी कंपोस्ट तीनों का, मतलब कोकोपीट इसमें करीब 50% डाली है, ज़्यादा डाली है। फिर उसके बाद बर्मी कंपोस्ट और मिट्टी दोनों आधा आधा इस तरह से डाल दिया है। तो ये सारे हम इसी तरह से भर लेंगे इसके अंदर, जो भी जो पॉटिंग मिक्स बनाया है हमने इस तरह से इनको सबको इसके अंदर भर लेंगे। उसके बाद इसमें आप कोई भी इस तरह का हैंगिंग प्लांट जो होता है जो धूप में चल सके, धूप के लिए अगर लगाना है तो धूप में चल सके, तो मैं तो इसमें सारे अभी मॉस रोज पोर्टुला का जो होता है वो ही लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ धूप है। तो अगर मनी प्लांट वगैरह तो इसमें जल जाएगा। यहाँ छत पे लगाने के लिए मैंने ये बनाए हैं। देखिए काफ़ी हल्का है, ये आराम से उठा पा रहे हैं, देखो दोनों ही आराम से उठा पा रहे हैं। तो ज़्यादा भारी नहीं करना है हमको कि जिससे प्रॉब्लम हो, ये चैन टूट जाए। इस तरह का बनाना है। ये देखिए किस तरह से लग रहे हैं, ये हमने सीढ़ियों के अंदर ही हुक लगवाए थे, हुक से इनको टांग दिया है। चाहो तो आप सॉफ्ट वाला वायर होता है उसके चार पांच जोड़ के और उस तरह से भी आप लगा सकते हो। देखिए काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने ये आज ही लगाई हैं तो मैं आपको दिखाया है। इसी तरह आप कोई भी हैंगिंग प्लांट लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट तैयार कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों।